नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन जागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज मैं एक टॉपिक पर विषय में बात करने वाले हैं, SBI ई रूपी, SBI डिजिटल ई रूपी क्या है और कैसे आप इसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे SBI ई रूपी के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, अपना समाज बहुत तेजी से बदल रहा है और ऐसे में अलग अलग बैंकें अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही हैं। और जैसे अभी हम लोग क्या है, वैलेट में पैसे रखते हैं, अपने जेब में नोट रखते हैं, 5 का 10 का 20 का सिक्के रखते हैं, ऐसे आप अपने फ़ोन में आप सिक्के रख पाएंगे, क्वाइंस रख पाएंगे, नोट रख पाएंगे और इसके बाद उन्हें आप किसी भी दुकानदार को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जैसे अभी अपना पर्स निकालते हैं और 10 रुपये के आपने कोई भी सामान खरीदा और 10 रुपये उसे आपने दे दिए, 10 का नोट आपने उसे दे दिया, वैसे डिजिटल तरीके से भी अब सरकार ने लॉन्च कर दिया है डिजिटल ई करेंसी। SBI की मैं आज बात करूंगा कि SBI डिजिटल करेंसी आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे यूज करना है, क्या है पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि डिजिटल करेंसी दोस्तों एक बहुत ही बड़ी आने वाले समय की क्रांति है। जैसे अभी हम लोग फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि फोन पे भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, गूगल पे भी है, भीम भी है, पेटीएम भी है, तो फिर डिजिटल ई रूपी का क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया। दोस्तों दोनों में अंतर है, यहां पर अभी आप अमाउंट 10 रुपये लिखकर डालते हैं, वहां नोट डायरेक्ट आप ट्रांसफर करेंगे डिजिटल ई रूपी में। 10 का नोट आपके फोन में सेव होगा, आप उसे ट्रांसफर कर देंगे, 100 का नोट सेव होगा, 100 का नोट दे देंगे। यहां पर आपको 100 रुपये देने होते हैं, वो दोस्तों क्या होगा, आपको बिना इंटरनेट के भी आप उन्हें भविष्य में यूज कर पाएंगे, यहां पर भी इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे डिफरेंस है, मैं कभी फुर्सत में आपको बताऊंगा। आज मैं बात करने वाला हूं SBI डिजिटल ई रूपी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, कैसे आपको मनी लोड करना है, कैसे यूज करना है। तो चलो पूरा डिटेल के लिए हम आपको ले चलेंगे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर लिखना है SBI ई रूपी। जैसे आप लिखेंगे तो ये देखते हैं, ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, इसे डाउनलोड करना है। ध्यान रहे आपको SBI का ऑफिशियल एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हो और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने में हो सकता कुछ वक्त लगे, लगभग 25 MB का एप्लीकेशन है, तो मैं इसे इंस्टॉल हो जाने देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, मैं जैसे ओपन करूंगा, जैसे आप ओपन करते हैं तो आपसे ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको यहाँ पर इंटर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। आपको टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ दिखाएंगी, आप इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद एक्सेप्ट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कुछ अपने फीचर्स बताएगा तो आप इसे स्क्रॉल करते जाएं, इसका स्टार्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं, आपके SBI में जो भी आपका सिम रजिस्टर्ड हो, जो भी नंबर रजिस्टर्ड हो, उस सिम को सिलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई सिम पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों रजिस्टर्ड सिम को ही यहाँ सिलेक्ट करना है। सिम वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, आपका सिम वेरीफाई कर रहा है, आपको इंतजार करना है। ये देखिए मेरा सिम वेरीफाइड हो चुका है, मुझे आप कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते हुए फिर से आपसे वेट करने के लिए बोलता है। दोस्तों SBI ने ये ई रूपी अभी नया नया लॉन्च किया है तो हो सकता है कुछ आपको बग यहाँ पर दिखाई दें, कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे, तो आप उसे फेस करेंगे। आप अगर 1 से 2 बार ट्राई करेंगे तो वो बग खत्म हो जाएगा, आप इसे फाइनली इंस्टॉल कर पाएंगे। अब मेरा यहाँ वेरिफिकेशन हो रहा है, मुझे अब प्लीज ट्राई अगेन लेटर बोल रहा है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ बग वगैरह आते रहते हैं, तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके। अब आपको दोस्तों अपने मोबाइल का स्क्रीन, जो भी आपने पासवर्ड वगैरह डाला है वो आपको यहाँ पर डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है, मतलब कि अपने जो आपने पैटर्न वगैरह डाल रखा है। इसके बाद आपका जो SBI में अकाउंट नंबर में नेम है, जो जिसके नाम से अकाउंट है उसका नाम यहाँ एंटर करना है। नेम एंटर करने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू करना है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है, तो आपको कंटिन्यू फिर से करना है और आपको इंतजार करना है। कंटिन्यू टू सेट योर वैलिड पिन, दोस्तों आपको एक पिन सेट करना है, जैसे कि हम फोन पे UPI जब चलाते हैं तो एक पिन आपसे सेट करने के लिए बोला जाता है, तो आप कोई भी अपने मुताबिक जो आप पिन याद रख सके उसे सेट करना है। और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पिन बनाने के लिए बोलता है, 6 अंकों का, ध्यान ये रखें दोस्तों, क्रिएट योर वैलिड पिन, वैलिड पिन 6 अंकों को बनाना होगा जो आप याद रख सकें। पिन डालने के बाद देखिए योर वैलिड पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली हो चुका है, 4 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए हैं, आपको कंटिन्यू करना है। ये देखिएगा लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, आपके मोबाइल पर जो भी अकाउंट यहां पर लिंक होगा वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा और आपसे यहां परमिशन मांग रहा है कि आपने अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यू करना है और आपका जो भी अकाउंट नंबर यहां पर होगा वो ऑटोमेटिक यहां फेच कर लेगा। देखिएगा
योर वैलेट प्रोफाइल आपकी आ गई, नागेंद्र सिंह, मोबाइल नंबर आपका दिख रहा होगा, मैंने हाइड कर रखा है, अकाउंट डिटेल आपकी दिखेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वगैरह सब दिख रहा है। अगर आपका यही अकाउंट नंबर है आप कंफर्म कर लें पहले, हो सकता है दोस्तों आपका एक नंबर दो अकाउंट नंबर में लिंक हो तो आपको हो सकता है दोनों अकाउंट नंबर फेस करेगा SBI के, विशेष ध्यान रखें जिससे आपको वैलेट अपना एक्सेस करना है उसी अकाउंट को सिलेक्ट कर लें। तो मुझे अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट द बैंक अकाउंट पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों आपको यहां पर ATM कार्ड को साथ में रखना है, ATM के लास्ट के 6 अंक आपसे मांगे जाते हैं। बिना ATM कार्ड के दोस्तों अभी आप ई रूपी एप्लीकेशन SBI का नहीं यूज कर पाएंगे, हो सकता है भविष्य में आधार कार्ड के थ्रू ही एक्सेस दे दें, बट अभी यहां पर ATM कार्ड का ही डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। तो 6 अंक डालने और एक्सपायरी आपको डालनी है अपने ATM कार्ड पर जो लिखी रहती है। डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। मैंने दोस्तों इसेंशियल चीजें हाइड कर रखी हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। ये वैलिड का पूरा प्रोसीजर दोस्तों आ चुका है मिस्टर नागेंद्र सिंह, और ये आप यहां पर देखिएगा सेंड का ऑप्शन आ रहा है, डिजिटल रुपी वैलिड का आप देख सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा कलेक्ट का दिख रहा है, लोड का, रिडीम का, और अपने करंट बैलेंस भी आप ऊपर देखिए एक आंख का निशान बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका करंट बैलेंस जो अकाउंट में है वो दिखाएगा। दोस्तों यहाँ वैलिड का दिखाता है बैलेंस, ना कि आपके अकाउंट नंबर का, इसका विशेष ध्यान रखें। व्यू वैलिड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके वैलिड में कितने रुपए हैं वो आपको दिखाएगा, सॉरी यू हैव इनसफिशियंट बैलेंस। अब बात आती है दोस्तों आप कितना बैलेंस लोड करना चाहते हैं अपनी वैलेट में, देखिएगा। अब अपनी जब वैलेट में आप पैसे लोड करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐड करने पड़ेंगे पैसे, तो इसके लिए देखिएगा लोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोड पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोट छपकर आ जाते हैं अलग अलग। देखिए 2 रुपए का नोट आपका छपकर आ रहा है कि आप कितने रुपए ऐड करना चाहते हैं, 2 का छपके आ रहा है, ये 5 का दोस्तों आपको एक बनकर नोट आ रहा है, वहीं बात करें इधर आपका 10 का नोट बनकर आ रहा है, 20 रुपीज छपकर, मतलब अलग अलग नोट करेंसी जो हम लोग यूज करेंगे ट्रांसफर करेंगे वो सारी, देखिए 200 का, 500 का और 2000 का, जो कि हमारी इंडियन करेंसी अभी 2000 तक मैक्सिमम चल रही है, हालांकि 2000 के नोट बंद हो चुके हैं बट डिजिटली यहां पर शो हो रहा है। तो आपको जितने भी रुपए ऐड करने हो उन नोट्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं 2 का 1 नोट ऐड करना चाहता हूं तो मैं इस पर देखिए स्वैप डाउन टू डिड्यूस्ड, अगर आपको ऐड करना है तो आपको ऊपर की तरफ स्लाइड करना होगा। जैसे मैं देखिए ऊपर स्लाइड करता हूं, देखिए 2 रुपए मेरे ऐड हो गए। अब मुझे एक 5 का नोट ऐड करना है तो मैं 5 के नोट को ऊपर सिलेक्ट कर लूंगा, तो देखिए टोटल 7 रुपए ऐड हो गए। मुझे अगर 10 का नोट ऐड करना है तो 10 को ऊपर स्लाइड करूंगा, तो ऐसे मेरे 17 रुपए ऐड हो गए, 2 रुपए, 5 और 10। अगर मुझे सपोज दैट इससे कम करने हैं, मुझे 2 का नोट हटाना है तो इसी 2 के नोट को लाकर नीचे आपको रिड्यूस कर देना, देखिए 15 रुपए बचे। अगर मुझे 5 का भी नोट हटाना है तो मुझे नीचे आकर फिर से नीचे स्लाइड करना है, तो आपके मुझे मेरे पास सिर्फ 10 का नोट बचा हुआ है। अब मुझे ये भी मैं हटा सकता हूं नीचे पर क्लिक करके। तो आपको जितने भी रुपए ऐड करने हो उस नोट को आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं आपको 5 रुपए ऐड करके दिखाना चाहूंगा तो 5 पर मैंने वहां ऐड कर लिए। अगर आपको 5 के नोट ज्यादा ऐड करने हैं 5 के मल्टीप्लाई में तो आप उसे बार बार स्वैप करेंगे। और यहां पर देखिए बगल में आपको एक क्वाइन का भी ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यहां पर आप सिक्के भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 50 पैसे अभी प्रचलन में हैं, आपको 1 रुपए का भी यहां सिक्का दिख रहा है, तो यहां पर 50 पैसे और 1 रुपए के सिर्फ 2 सिक्के यहां दिखाई दे रहे, क्वाइंस आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप 50 पैसे ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर को स्लाइड करना है, 1 रुपए ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर को स्लाइड करना है, अगर आप इन्हें रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको नीचे स्लाइड करके आसानी से इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। तो जितने रुपए आपको ऐड करने हो अपने वैलेट में उन्हें सिलेक्ट करके फाइनली लोड डिजिटल रूपी पर क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप किसके माध्यम से लोड करना चाहते हैं, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहां डिटेल आ गया, और आप UPI से भी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, जो भी आपकी सुविधा हो उससे आप यहां पर उसे सिलेक्ट करके कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों मैं UPI से ऐड करना चाहूंगा, UPI सिलेक्ट करूंगा और कंफर्म करूंगा। जैसे कंफर्म करूंगा तो ये देखिएगा यहां पर लोड अमाउंट आ गया इतना, यहां पर दिखा रहा कि इतना पैसा मैं ऐड कर रहा हूं, तो 5 रुपए ऐड कर रहा हूं एक नोट, यहां पर नंबर ऑफ नोट्स दिखेंगे, और फाइनली मुझे लोड डिजिटल रुपी पर क्लिक करना है। तो मैंने UPI सिलेक्ट किया था तो यहां UPI का इंटरफेस खुलेगा, जो भी आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जो भी चलाते होंगे सारा डिटेल यहां दिखेगा, तो जिससे आप ऐड करना चाहें उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं दोस्तों यहाँ गूगल पे से करना चाहता हूँ, आप गूगल पे का मेरा इंटरफेस खुलेगा, मुझे पिन यहाँ इंटर करना है।
तो ये देखिए मुझे पे करने का ऑप्शन आ चुका है, मेरा गूगल पे पे पहुंच चुका हूं, मैं पे करें पर क्लिक करूंगा। अब मुझे गूगल पे का 6 अंकों का जो मेरा पिन है वो मैं डालूंगा और यहां पर इंटर करूंगा। तो जैसे यहां पर कंफर्म करूंगा, देखिए प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और ये देखिए ग्रीन टिक आ चुका है, मेरे पे 5 रुपए जो मैं ऐड करना चाहता था वो यहां पर ऐड हो चुके हैं। देखिएगा डिजिटल रुपी लोडेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है और अब मुझे होम पर आना है। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मेरे वैलेट में 0 रुपए थे बट अभी मैं अगर करंट वैलेट आंख पर क्लिक करूंगा तो 5 रुपए का एक सिक्का मेरे पे ऐड हो चुका, नोट सॉरी। तो ऐसे आप आसानी से लोड कर पाएंगे। अगर आपको किसी मनी को सेंड करना है या कलेक्ट करना है उसके लिए मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आज हमने सीखा कि आप SBI का जो डिजिटल रुपी आया है उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें मनी कैसे ऐड कर पाएंगे, लोड कर पाएंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मनी फिर से ऐड करना सिखाऊंगा, किसी को अगर मनी आपको ट्रांसफर करनी है तो कैसे सेंड करेंगे, उससे अगर आपको लेनी है कलेक्ट करनी है तो कैसे करेंगे, और अगर आप इन डिजिटल रुपी को रिडीम करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो वो कैसे करेंगे, उसका मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को बनाकर दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको आपके हित की लगी हो, आप आने वाले समाज में ये चेंजमेंट देखना चाहते हो तो आप डिजिटल रुपी जरूर यूज करें, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई डाउट है अगर आप डिजिटल करेंसी के विषय में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया डिजिटल रुपी का कैसे लेन देन करेंगे वो भी आने वाले समय में आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।